हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नॉलेज गुरु काजल चैनल। तो आज आपके लिए पूरे टॉप 25 क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि 7 नवंबर को जो आए हैं वही आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर आप अच्छे ग्रेड से पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ पर बनाया गया। तो ऑप्शन है कानपुर, पुणे, हैदराबाद या फिर ननमिंस, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। तो वो था गाइज परम। और ये जो परम था ये बना कहाँ पर था, तो ये बना था गाइज आपका पुणे में, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रोजन क्या है। तो ऑप्शन है कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर हाई लेवल प्रोग्राम। तो ट्रोजन क्या है, एक कंप्यूटर का वायरस है जो कि कंप्यूटर को जो है हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट है पहला सर्च इंजन कौन सा था। तो ऑप्शन है गूगल, नेटस्केप, सफारी या फिर आर्ची। तो यहाँ पर बात की गई है पहले सर्च इंजन की जो कि था गाइस आर्ची। नेक्स्ट है स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन है F4, F3, F5 या फिर S। तो देखिए गाइस स्लाइड शो, जब लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में आप स्लाइड बना लेते हैं तो उसे क्या करते हैं, शो मींस देखते हैं, तो वो देखते हैं F5 शॉर्टकट की से, ठीक है। नेक्स्ट है ट्विटर का ओरिजिनल नाम क्या है। तो ऑप्शन है स्टेटस, TWTTR, ट्विटर या फिर नन मीन्स, इनमें से कोई नहीं। तो ट्विटर जो कि क्या है, एक सोशल मीडिया ऐप है जिस पर आप डेली ऑनलाइन मतलब न्यूज़ देख सकते हो। तो इसका नाम पहले गाइज जॉन एड्रिसी ने जो सोचा था वो था स्टेटस, ये था इसका असली नाम जो कि अब ट्विटर में चेंज हो गया। नेक्स्ट है वैश्वीकरण की प्रतियोगिता में BPO का क्या मतलब है। तो ऑप्शन है बिजनेस प्रोसेस आउटस्टैंडिंग, बिजनेस पेमेंट आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या फिर बायर प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इस BPO को जो बोला जाता है वो बोला जाता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट है पॉकेट ऐप किसके द्वारा चलाया गया। तो ऑप्शन है SBI, RBI, ICICI या फिर नन मीन्स, इनमें से कोई नहीं। तो पॉकेट ऐप को जो बोलते हैं वो बोलते हैं डिजिटल वॉलेट भी। ये क्या है, ये एक ऑनलाइन मनी अर्न करने का एक अच्छा साधन है। तो यह जो चलाया गया था यह चलाया गया था ICICI के द्वारा। नेक्स्ट है एक निबल में कितने बाइट होते हैं। तो ऑप्शन है एक बाइट, 0.5, 8 बाइट या फिर 4 बाइट। तो यहाँ पर बात की गई है एक निबल में कितने बाइट हैं। तो एक निबल में जो गाइस बाइट होते हैं वो होते हैं 0.5। अगर पूछ लिया जाए कितने बिट होते हैं तो वो होते हैं एक निबल में गाइस 4 बिट, ठीक है। ये दोनों बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है फेसबुक में जहाँ आपके दोस्तों की फोटो दिखती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है टाइमलाइन, न्यूज़ फीड, स्टोरी या फिर पब्लिक। तो FB में जब आपके दोस्तों या रिलेटिव हो जो भी अपनी फ़ोटो को पोस्ट करते हैं तो वो किस में दिखाई दी जाती है, वो दिख जाती है गाइस न्यूज़ फीड में। नेक्स्ट है लिब्रा ऑफिस को फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो ऑप्शन है Ctrl+Shift+J, Ctrl+Shift+K, Shift+J या फिर नन मीन्स कोई नहीं। तो फुल स्क्रीन अगर आपको क्या करना है, मीन्स इसको जूम करना है, तो इसके लिए जो यूज़ होगी वो होगी कंट्रोल के साथ Shift+J, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है। तो ऑप्शन है यूज़र नेम, डोमेन नेम, @ या फिर प्रोटोकॉल। तो जब हम ईमेल एड्रेस बनाते हैं मीन्स ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें यूज़र नेम और डोमेन नेम और @ इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन प्रोटोकॉल क्या है, ये ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, डी करेक्ट है। नेक्स्ट है Ubuntu के निर्माता कौन है। तो ऑप्शन है मार्क शटलवर्थ, मार्क एड्रिसन, रॉबर्ट नोइक या फिर नोटा। तो Ubuntu जो कि क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके जो निर्माता थे या वैज्ञानिक थे वो थे गाइस मार्क शटलवर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है NEFT में लेन देन का समय क्या होता है। तो ऑप्शन है 8 AM टू 8 PM, 8 AM टू 7 PM, 8 AM टू
6 PM या फिर नन मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो NEFT जो कि एक ऑनलाइन मने ट्रांजैक्शन किया जाता है जिसके द्वारा, तो इसमें जो लेन देन का समय होता है वो होता है सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मेमोरी में रखा डाटा पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी सुरक्षित रहता है? तो ऑप्शन है रैम, रोम, बोथ या फिर नन मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर पावर भी चली जाती है तब भी उसमें डाटा जो है सेफ रहता, तो वो रहता गाइस रोम में, मीन्स रीड ओनली मेमोरी में। नेक्स्ट है, व्हाट इज बैडो, मीन्स बैडो क्या है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर या फिर मैसेंजर। तो बैडो क्या है, ये एक सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल है ऐसे ये भी एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, लैन और वैन की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? तो ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर फोर्थ जनरेशन मीन्स चौथी पीढ़ी। तो गाइस लैन और वैन जो कि क्या है, एक नेटवर्क है, मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी फोर्थ जनरेशन में। नेक्स्ट है, मेल में ट्रेस फोल्डर में ईमेल कितने दिनों तक सेव रहता है? तो ऑप्शन है 30 दिन, 1 दिन, 60 दिन या फिर नो लिमिट मीन्स कोई सीमा ही नहीं है। तो मेल में जब हमारा कोई ईमेल डिलीट हो जाता है तो वो कहाँ पहुँच जाता है, वो पहुँच जाता है गाइस ट्रेस फोल्डर में। तो इसमें जो लिमिट होती है वो होती है 30 दिन तक, बस 30 दिन के अंदर अंदर आप अपने डिलीट किए गए मेल को वापसी पा सकते हो। नेक्स्ट है, प्रोटोकॉल क्या है? तो ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर नियमों का एक सेट। तो प्रोटोकॉल क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है गाइस नियमों का एक सेट। नेक्स्ट है, लिब्रा ऑफिस राइटर में बनी फाइल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है वर्कबुक, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर MS ऑफिस का आपका MS वर्ड है तो उसमें भी गाइस फाइल को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और लिब्रा ऑफिस के राइटर में भी क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ही बोलते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, नेटवर्क टोपोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? तो ऑप्शन है हब, रूटर, स्विच या फिर मदरबोर्ड। तो देखिए टोपोलॉजी नेटवर्क की, हब, रूटर और स्विच ये तीनों क्या है, नेटवर्क की टोपोलॉजी है। लेकिन मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड तो कंप्यूटर का कंपोनेंट है, इसके बिना कंप्यूटर बिल्कुल बेकार है। तो यह जो है नेटवर्क की टोपोलॉजी में नहीं आता, इसलिए ये वाला ऑप्शन डी करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? तो ऑप्शन है स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने MS ऑफिस यूज़ किया है तो आप MS ऑफिस के बारे में जानते ही होंगे कि MS ऑफिस में एक होता था पावर पॉइंट। तो अब लिब्रा ऑफिस में इम्प्रेस को ही बोल देते हैं हम पावर पॉइंट, जो कि क्या है, एक प्रेजेंटेशन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, मास्टर और कार्ड नंबर कितने डिजिट का होता है? तो ऑप्शन है 18, 19, 20 या फिर 21। मास्टर कार्ड क्या होता है, ये जब आप क्या करते हो, शॉपिंग करते हो तो अपना जो भुगतान है वो कार्ड के द्वारा करा लेते हो ना। तो इसमें पूछा है कि नंबर कितने डिजिट का होता है, तो ये होता है गाइस 19। ठीक है, नेक्स्ट, TB, GB और KB ये क्या है? ऑप्शन है डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, बोथ या फिर नन। तो गाइस TB यानी कि टेराबाइट, GB गीगाबाइट और KB यानी कि किलोबाइट, ये किस क्रम में दिए गए हैं? तो ये दे रखे हैं हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स घटते हुए क्रम में। देखिए सबसे पहला हमारा सबसे बड़ा होता है टेराबाइट, फिर उससे जो थोड़ा छोटा होगा तब वो होता है GB और सबसे छोटा होता है KB। तो ये ऐसे घटते हुए क्रम में दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, WPA का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन है वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस, वायरलेस प्रोटेक्ट एक्सेस, वायर प्रोटेक्ट एक्सेस या फिर नन। तो WPA की पूछी गई है फुल फॉर्म, जो कि होती है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक है,
और गाइस आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है chdsk, mkdir, nwdir या फिर rmdir। तो न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए जो यूज होगी वो कमांड यूज होती है mkdir। तो गाइस ये थे आज के वो 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और अगर आप वो चैनल पर नए तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे गाइस करेक्ट आपसे 8 बजे। अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।